हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. सो द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, व्हेन यू हैव वैराइटीज़ ऑफ चॉइसेस, मतलब वैराइटीज़ ऑफ चॉइसेस, डिफरेंसेस, सो दीज आर ऑल कम्स इन द डाइवर्सिटी. एज वी कंसिडर दैट इन इंडिया वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, वी हैव टू प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, सो ऑल दीज डिफरेंसेस आर कम्स इन द डाइवर्सिटी. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डाइवर्सिटी मेक्स अ लाइफ इंटरेस्टिंग एंड हाउ इंडिया become these diverse. Now, whenever you look around in your classroom, there are many few students that are looks exactly like you. But in this chapter, you will learn that how people are different from each other in many ways. Not only by their look they are different, but they might also belong to different regional, cultural or religious backgrounds. So all these regional, cultural and religious background enriches our lives in many ways and also make them more fun. So diversity make our life more fun and more interesting. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं जो डिफरेंट काइंड्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन से बिलोंग करते हैं और कल्चर्स जिनके डिफरेंट हैं, ये हमारे इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी. सो फॉर आंसरिंग दिस ऑल क्वेश्चन और टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, वी हैव टू रीड दिस चैप्टर फर्स्ट. सो इन योर बुक देयर शो आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रॉइंग विच आर मेड बाय थ्री डिफरेंट चिल्ड्रन ऑफ योर एज हु मेड दिस ड्रॉइंग. And there is some empty box in which you made your own drawing. So after making your own drawing, you may compare your drawing with the rest of the three drawings. There are more chances that your drawing is quite different from the other three, which you can see are quite different from each other. So आपकी drawing जो है वो इन तीन drawing से different हो सकती है, because the reason is everyone has a unique drawing style. So we only don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. So हम बस look के according ही different नहीं हो सकते हैं, हम अपनी languages के term में भी different हो सकते हैं, अपने cultural background के term में different हो सकते हैं, जो religious rituals हम परफॉर्म करते हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट हैं, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने रिलीजन को उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट हैं, और हमारे जो ड्राइंग स्टाइल है वो भी हमारे बहुत डिफरेंट है. सो क्योंकि इंडिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स फॉलो होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, 1600 लैंग्वेजेस हम स्पीक करते हैं, 28 डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास, उन डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट फूड हैं, डिफरेंट ड्रेसेस हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, तो ये सब हम इंडिया में फॉलो करते हैं, तो इसलिए जो हमें वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है. इंडिया इज़ वेरी रिच इन डाइवर्सिटी. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी इन योर बुक इन विच यू हैव टू राइट डाउन योर ड्रेस दैट यू लाइक व्हेन यू गो आउट at home, which language you speak, you have to write your favorite sport and the books that you have reading more. So when you answer all these four questions, after answering आपको क्या करना है, अपनी टीचर से आस्क करना है दैट हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज योर एग्जैक्टली, प्रोबेबली नॉट, बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी पूरी क्लास में किसी से चारों आंसर सेम हो, किसी के दो आंसर सेम होंगे, मे बी हो सकता है कि किसी का फेवरेट स्पोर्ट और क्लॉथ सेम हो, किसी का
बुक्स रीडिंग सेम हो, तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का ही आस्पेक्ट है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोक करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक पढ़ते हैं जो कि हमारे क्लास में या स्कूल में हमें पढ़ाई जाती हैं। By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. तो बहुत सारी ऐसे भी ways हैं जिनमें आप अपने classmates से बहुत ज़्यादा similar होंगे और other ways में आप उनसे different होंगे। Maybe जो boys हों तो हम क्लासमेट्स से डिफरेंट्स हो सकते हैं, जैसे कुछ बॉयज़ के सेम स्पोर्ट हो सकते हैं तो वो सिमिलर इन वेज में होंगे लेकिन लैंग्वेजेस अलग होंगे तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। मे बी किसी के फेवरेट फूड सिमिलर हो लेकिन फेवरेट स्पोर्ट्स डिफरेंट हो, फेवरेट लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, तो कुछ वेज में कुछ लोग सिमिलर होते हैं, कुछ वेज में डिफरेंट होते हैं। नाउ मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। So whenever you make your friend, you don't see the religion of your friend, the caste of your friend, you only look at the good habits which are prevail in your friend. So अगर कभी आप friend बनाएं तो ये सारी activities religion को, cultural background को side रख के ही बनाते हैं, लेकिन आपके friend का religion अगर आपसे अलग है या वो कोई दूसरी language बोल रहा है तो क्या आपको problem होगी? For answering this question, you have to read this story which are given in your book. So, there are two boys. One boy is a ragged boy which is selling newspaper on the roadside and other one is a boy who is going to school. So I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpath crossing at the busy intersection. So the boy who sold newspapers at the Janpath crossing, and Janpath crossing is a very busy intersection. So every time the boy who had cycled past the intersection, so the ragged boy run after the cycled boy holding out the English newspaper and screaming the headline in a mixture of Hindi and English word. मतलब वो ragged boy cycle boy के पीछे पीछे मतलब run करता है और जो headline होती है हिंदी और English words की newspaper में उसको बहुत तेज स्क्रीम करता है। दिस टाइम द साइकिल बॉय स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी न्यूज़पेपर। मतलब साइकिल बॉय जो है वो रैग्ड बॉय से हिंदी न्यूज़पेपर की डिमांड करता है। द रैग्ड बॉय माउथ फेल ओपन। तो रैग्ड बॉय का जो माउथ होता है वो खुला रह जाता है क्योंकि वो बहुत सरप्राइज और शॉक्ड हो जाता है। वाई रैग्ड बॉय शॉक्ड? You mean you know Hindi? He asks. So the ragged boy asks, you mean तुम्हें हिंदी आती है? So the cycle boy asks, yeah, of course, I said as I paid for the paper. And after said, he also paid for the newspaper. Why? What did you think? So the next question which were जो कि साइकिल बॉय पूछता है वो ये है, why? What do you think? He paused, but you look so अंग्रेज, he said, you mean you can even read Hindi? तो फिर जो रैक्ड बॉय होता है वो पॉज्ड हो जाता है लेकिन थोड़े टाइम के बाद पूछता है, लेकिन तुम जो हो वो बहुत अंग्रेज़ लुक, तुम्हारे लुक से तुम बहुत अंग्रेज़ लगते हो। सो यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? सो द साइकिल बॉय आंसर्ड, ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। सो साइकिल बॉय बताता है, यस, मुझे हिंदी आती है, मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। दिस इज़ द इमेज दैट ये ऑरेंज शर्ट वाला रैग बॉय है जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, येलो टी शर्ट वाला साइकिल बॉय है जो उस पेवमेंट से पास करता है। नाउ हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। सो वो बताता है कि हिंदी जो है वो मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। नाउ द रेड boy asked what is subject. He was again shocked because he never used the word subject before because he never go to school. How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? So ab jo cycle boy hai wo thoda confusion mein aa jata hai ki wo us
पर्सन को कैसे सब्जेक्ट का मीनिंग बताए जो कि कभी स्कूल ही ना गया हो. वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज्ड एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक. तो वो उसको सब्जेक्ट का मीनिंग बताने ही वाला होता है तब तक जो ट्रैफिक है उसकी जो लाइट जो है वो चेंज हो जाती है और जो उसके पीछे जितनी लाइन्स लगी होती हैं कार्स और बसेस बाइक्स बस कार की वो हॉर्निंग करने लगती हैं. तो इसकी वजह से वो ट्रैफिक के साथ साथ अपने आप को भी फॉरवर्ड की तरह फॉरवर्डेड करके चला जाता है. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन द नेक्स्ट डे. सो द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन. सो नेक्स्ट डे वो रेड बॉय दोबारा से वहाँ होता है क्योंकि अब उसमें थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए. द रेड बॉय वॉज स्माइलिंग एट द साइकिल बॉय एंड होल्डिंग आउट अ न्यूज़पेपर एंड सेड भैया आपका अखबार. ही गिव द न्यूज़पेपर टू द साइकिल बॉय. नाउ यू टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. द इंग्लिश वर्ड विच वर साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. तो जो इंग्लिश वर्ड जो कहता है रैग बॉय सब्जेक्ट वो उसके माउथ से बहुत स्ट्रेंज लगता है क्योंकि उन लोगों का प्रोनंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. तो साइकिल बॉय को लगता है ये एक बहुत ही अलग मीनिंग है इंग्लिश का जो कि कोई और रूल कर रहा है. Oh, it's just something to study, I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? सो वो एक्सप्लेन करता है साइकिल बॉय कि ये सब्जेक्ट वो चीज़ है जो कि हम पढ़ते हैं और क्योंकि अभी रेड लाइट जल रही होती है तो इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो. नेवर ही आंसर्ड एंड ही एडिड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. So, वो बताता नहीं मैं कभी स्कूल नहीं गया और वो बहुत प्राउडली कहता है रेड बॉय कि मैं जो है वो बहुत ही स्टार्टिंग से वर्किंग कर रहा हूँ और वो जो अपनी हाइट है वो उसकी साइकिल की सीट से मेजर करता है कि मैं जब इतना बड़ा था तब से वर्क करता हूँ. पहले अपनी मम्मा के साथ करता था अब मैं अकेला वर्क करता हूँ. अब जो साइकिल बॉय है वो रेड बॉय से क्वेश्चन करता है वेयर इज़ योर मदर नाउ. सो बट उसके बाद क्या होता है जो लाइट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो साइकिल बॉय वहाँ से चला जाता है. आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इज़ इन मेरठ विद द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट. सो पीछे से वो रेड बॉय चिल्लाकर फिर भी उसको बता देता है कि वो अब मेरठ में है लेकिन जो वो आगे का बताता है वो उसको सुनाई नहीं देता है. वो ड्राउंड वहीं पर कहीं पर डूब जाता है क्योंकि शोर बहुत होता है वो बहुत आगे निकल गया होता है. नेक्स्ट डे क्या होता है. माई नेम इज़ समीर ही सेट द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क व्हाट्स योर. नेक्स्ट डे वो अपना नेम उसको बताता है कि मेरा नाम समीर है और बहुत शाइली पूछता है व्हाट्स योर तुम्हारा नाम क्या है. इट वॉज इंक्रेडिबल माई साइकिल वॉबल्ड. तो ये उसको बहुत इंक्रेडिबल लगता है और जो साइकिल बॉय की बाइसाइकिल है वो वॉबल्ड करने लगती है. वॉबल्ड मीन्स लड़खड़ाना ठीक है शिवरिंग टाइप. माई नेम इज़ समीर टू मतलब क्योंकि उसकी साइकिल इसलिए बॉबल करती है क्योंकि उसका नेम भी सेम होता है. आई सेड वॉट हिज आइज लिट अप. यस आई ग्रिंड एट हिम इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो. तो वो भी बताता है कि हाँ मेरा नाम भी समीर है. तो जो रेक्ट बॉय है उसकी जो आइज़ हैं वो एकदम से चमक जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मुझसे इतना डिफरेंट है और जो नेम है हमारे वो सेम है. तो वो फिर जो समीर साइकिल वाला समीर होता है वो बहुत खुल के हंसता है और उसको बताता है हाँ ये हनुमान सागर का दूसरा नेम है क्या तुम्हें पता है. फिर वो उसको कहता है नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो ही सेड ट्रियम्फेंटली. तो ट्रियम्फेंटली मीन बहुत एक्साइटमेंट में रेड बॉय कहता है कि तुम समीर एक हो मैं समीर दो हूँ. समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड हाथ मिलाओ. तो अब वो जो समीर एक जिसको साइकिल बॉय को उसने समीर एक नाम दिया था उसने आंसर दिया अच्छा चलो अब तुम मुझसे हाथ मिलाओ हैंडशेक करो. समीर दो हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म्थ एज आई साइकिल अवे. तो जो समीर एक है जब उससे हैंडशेक करता है तो उसका जो हाथ है वो इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा लगता है उसको कि उस समीर दो का जो हैंड है वो समीर एक के हैंड में बहुत ज़्यादा सेफ है. सो आफ्टर दैट
द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी देयर इज ट्रबल इन मेरठ ही सेड मैनी पीपल आर बींग किल्ड देयर इन द राइट्स आई लुक्ड एट द हेडलाइंस कम्युनल राइट्स इट ब्लेस्ड बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर ही सेड इन आंसर. नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे वो डेली यूजुअल स्माइल देता आया था उसकी वो यूजुअल स्माइल नहीं थी क्योंकि मेरठ में एक ट्रबल हो गया था, वो बताता है समीर दो. बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ राइट्स में किल हो चुके हैं और हेडलाइंस में जो समीर एक है वो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो राइट्स हैं वो कम्युनल राइट्स हैं. तो बेटा कम्युनल राइट्स वो राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन या स्पेसिफिक कल्चरल बैकग्राउंड को लेके कम्युनिटी में लड़े जाते हैं. मतलब हिंदू मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटीज़ आपस में किसी एक थॉट को लेकर बहुत लड़ें तो वो कम्युनल राइट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत इनोसेंस पीपल, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, इनोसेंट पीपल की जान चली जाती है. तो ये बहुत अलग तरीके, बहुत ही ज़्यादा बेकार राइट्स हैं जो कि हम लोग को नहीं करना चाहिए. तो इसकी वजह से जो मेरठ है उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग हो गई है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स भी कुछ किल हो गए हैं. बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर, उसके बाद वो बताता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ. एंड ऑल ऑफ माई पीपल आर इन मेरठ हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड वैन आई टच हिज शोल्डर ही वुल नॉट लुक अप. तो वो बताता है कि मेरे सारे पीपल मेरठ में हैं, उसके बाद उसकी जो आइज़ हैं वो टीयर्स से फिल हो जाती हैं और जब समीर एक उसका शोल्डर टच करता है तो वो ऊपर नहीं देखता है. He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samir Do has gone. तो जो वो क्रॉसिंग पे उस डे के बाद उसको कभी नहीं दिखता, ना ही कोई न्यूज़पेपर उसको इंग्लिश का हो या हिंदी का समीर दो की इन्फॉर्मेशन देता है. ये जो स्टोरी है ये द लाइट्स चेंज बाय पुलिस पोएले सेन गुप्ता ने लिखी है. इस स्टोरी में यू हैव इमेजिन दैट हाउ समीर एक इज़ हिंदू, समीर दो इज़ मुस्लिम, लेकिन फिर भी उन दोनों के नाम सिमिलर हैं. तो ये बेस है जिसमें वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, लेकिन इसके अलावा वो हर चीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट है, रिलीजन में, कल्चरल बैकग्राउंड में और अपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में, इकोनॉमिक स्टेटस में, हर चीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज नेम थ्री वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट. सो दे वर डिफरेंट इन रिलीजन, कल्चरल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल. नाउ डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड? नो, बिकॉज वैन दे बिकम फ्रेंड दे डिड नॉट नो देयर रिलीजन एज वेल एंड दे डिड नॉट नो देयर कल्चरल each other cultural background as well. While Samir Ek is more familiar with English, Samir Do speaks Hindi, although they both are is more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what was important to them. तो जो समीर एक जो है वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ सकता था और जो समीर दो है वो हिंदी बोलता था, लेकिन इसके अपार्ट भी वो लोग घर पे लैंग्वेजेस जो हैं वो दूसरी भी बोलते थे. समीर एक घर पे हिंदी बोलता होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए अपनी फ्रेंडशिप को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए. समीर दो एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स. वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. जो समीर एक और समीर दो हैं वो डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं. समीर एक जो है वो हिंदू है, समीर दो जो है वो मुस्लिम है. डिफरेंट रिलीजियस और जो कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं ये ही हमारे आस्पेक्ट हैं डाइवर्सिटी के, कि हमारे पास कल्चर भी डिफरेंट है एक दूसरे से, रिलीजन भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. नाउ द क्वेश्चन इज मेक देयर इज़ एन एक्टिविटी दैट यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़. तो समीर एक इज़ बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन, सो ही सेलिब्रेटेड होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एटसेट्रा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल विच वर सेलिब्रेटेड बाय हिंदू रिलीजन. समीर दो इज़ अ मुस्लिम, सो ही सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स दैट विल सेलिब्रेट बाय द मुस्लिम रिलीजन. सो ही सेलिब्रेट ईद, रमज़ान, मुहर्रम
and etc. different festival which were celebrated by Muslims. Now, can you think of a situation in which you made friends with someone who was very different from you? Write a story that describes this. So you have to write the story by describing that your friend is belonging to the different religion. So how you मतलब कैसे आप न्यू थिंग्स जो हैं वो सीखते हैं अपने डिफरेंट फ्रेंड से जो कि डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है. इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट इन अदर वेज. दीज वे आर समीर एक गोज टू स्कूल एंड समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर. सो समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो सेल करता था न्यूज़पेपर. नाउ व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल. सो समीर दो डिड नॉट अटेंडेड स्कूल बिकॉज ही अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग न्यूज़पेपर. Next, do you think it would have been easy for him to attend school if he wanted to? So, if Sameer though is wanted to go to attend school, so it's easy because government provided various educational facilities for the people who are not able to submit school fees. In your opinion, is it a fair situation that some children get to go to school and others don't? So in my opinion, it's not a fair situation because all the children have right to education. Now, Sameer though did not have the opportunity to attend school, perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. So, हमने अपने समीर एक और समीर दो की तरह भी हमने अपने आस पास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इतने पुअर होते हैं, ना ही उनके पास प्रॉपर खाने के लिए होता है, ना ही प्रॉपर पहनने के लिए होता है, और कभी कभी उनके पास प्रॉपर प्लेस भी नहीं होता जहां वो रह सके. दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर. ये जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है जैसा कि हमने अभी पहले देखा. हेयर वी वर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी. सो यहां पे ये जो डिफरेंस आते हैं इसमें डिफरेंस नहीं होते हैं बल्कि ये इनइक्वालिटी होती है. इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अनदर पर्सन. तो इनइक्वालिटी मतलब होती है समानता, जहाँ पे हमें प्रॉपर रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो कि उस पर्सन को मिलती हैं जो कि हमारे पास रहता है. The caste system is another example of inequality. So the most irruptible and disgusting example of inequality is caste system. According to this caste system, society was divided into various different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were porters, you could only become a porter, nothing else. This system was considered irreversible and because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapters. So जो caste system है वो दूसरा example है inequality का. इसके according inequality की वजह से और caste system की वजह से society जो है वो different groups में divide हो गई है. उन्होंने अपने groups को इतना divide कर लिया है कि जो work हैं उसमें भी उन्होंने differences बना दिए हैं कि जो अगर किसी के parents porters हैं या मतलब tailor या barber हैं तो उनका जो आने वाली generation है वो भी वही वर्क करेंगी, वो कोई और प्रोफेशन चूज़ नहीं कर सकती और ना ही वो कोई और प्रोफेशन की नॉलेज उनको होगी. सो ये सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इरिवर्सिबल है. ये जो सिचुएशन है इनइक्वालिटी की ये हमने अपनी माइंड थॉट से ही क्रिएट करी है, ये कोई नेचुरल सिचुएशन नहीं है. हम इनइक्वालिटी के बारे में फॉलोइंग चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटी होती क्या है और वो हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करती है. Now, what does diversity add to our lives? So, diversity
add our lives various kinds of fun and interest. That's just like Sameer Ek and Sameer Do became friends. You might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of foods in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. जैसे समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बने, आपके भी ऐसे बहुत से फ्रेंड होंगे जो कि डिफरेंट होंगे आपसे. आप उन फ्रेंड से क्या कर सकते हैं, उनके होम में जाके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते होंगे, डिफरेंट फेस्टिवल्स उनके सेलिब्रेट करते होंगे, उनके क्लॉथेस डिफरेंट ट्राई करते होंगे, तो और उनकी जो लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट वो भी आप लर्न करते होंगे. तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में न्यू थिंग्स को भी ऐड करती है. मतलब हम जो हमसे डिफरेंट है हम उससे कुछ अच्छा सीखते हैं तो वो भी हमारी लाइफ में ऐड हो जाता है. जो हमें आता है वो तो हमारे पास है ही नॉलेज, जो हम किसी और से सीखते हैं जो हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है वो भी हमारी लाइफ में नॉलेज ऐड हो जाती है. तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है. नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट. परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. तो आप सबको स्टोरीज सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, सारे एडवेंचर्स डिफरेंट एनिमल्स के बारे में करना बहुत अच्छा लगता होगा. इस गोस्ट के बारे में भी पढ़ते होंगे, एनिमल्स, पीपल, सबकी स्टोरी आपको पसंद होगी. क्या आपको स्टोरी लिखना पसंद है? किसी किसी को होता है, बहुत लोग होते हैं जिनको स्टोरी लिखना पसंद होता है. नाउ जो यंग पीपल हैं वो अगर कोई गुड स्टोरी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं. जो राइटर्स स्टोरीज लिखते हैं उनको अपने ज़्यादातर आइडियाज़ आते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट बुक से, और जो रियल लाइफ अकाउंट्स होते हैं उनसे, या वो जो कुछ इमेजिन करते हैं उन सबसे के थॉट और व्यूज़ लेके वो लोग अपनी स्टोरीज लिखते हैं. Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Other read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. जो कुछ लोग हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो एनिमल्स से ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो एनिमल्स के बारे में ही स्टोरी लिखते हैं, उनकी फाइट्स, फ्रेंडशिप, उनके फूड और उनका लिविंग स्टाइल सब. जो कुछ अदर राइटर्स होते हैं वो किंग्स और क्वींस के रियल अकाउंट पढ़ते हैं और उसके बारे में, उनके लव और ऑनर के बारे में स्टोरीज लिखते हैं. और जो कुछ होते हैं वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज की स्टोरीज लिखते हैं, अपने स्कूल फ्रेंड्स की लिखते हैं, या एडवेंचर जो उन्होंने किए होते हैं उसकी स्टोरी लिखते हैं. नाउ इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड सो फार वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders, what kind of stories do you think they will write? अगर आपको इमेजिन करो, या जितने भी स्टोरी टेलर्स और राइटर्स हैं जिनकी स्टोरी हमने पढ़ी और सुनी है, उनको बहुत फोर्सफुली बस एक ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहाँ पे बस दो कलर हो, रेड और वाइट, सेम फूड खाएं, पटैटो, दो ही एनिमल्स को हम टुक केयर कर सकते हैं, डियर और कैट, एक ही गेम हम प्ले कर सकते हैं एंटरटेन करने के लिए, वो है स्नैक एंड लैडर. तो कैसी स्टोरीज आप लिखेंगे? नाउ इमेजिन एंड राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक एज वेल. नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में क्या डाइवर्सिटी कैसे आई और क्या क्या है. India is a country of many diversities. We have very rich in diversity because we speak different languages. At least we have having 1600 languages as well. We have various types of food. We have celebrated different festivals. We have practiced different religion. There are 8 religion in the world and all these 8 are practiced in India as well. But actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम similar करते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी हमें उनको करने के तरीके अलग होते हैं. जैसे सारे religion में God को worship करते हैं लेकिन करते तो God को worship है, बस worship करने का जो तरीका है वो different होता है. तो हम similar भी हैं और different भी हैं. Now how do we explain diversity?
A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships or horses, on camels or on foot. 200 years ago या उससे भी पहले जब ट्रेन एरोप्लेन बस और कार का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब पीपल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे शिप्स में हॉर्सेस में कैमल्स में और फूट पे. Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. तो पीपल क्यों ट्रैवल करते थे लैंड की सर्च में न्यू प्लेसेस पे सेटल होने के सर्च में और ट्रेडिंग पर्पस से क्योंकि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जो रूट था वो बहुत लॉन्ग होता था तो अगर उन्हें बीच में कहीं पे कोई प्लेस मिल जाती थी तो वहाँ स्टे कर लेते थे बहुत लंबे टाइम के लिए. जो कुछ थे वो अपने होम्स को इसलिए भी छोड़ देते थे क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहाँ पे कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता था जैसे फेमाइंस आ गई ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया या तूफान वगैरह आ गया तो वो वहाँ पे खाने के लिए ज़्यादा नहीं होता था तो वो फूड की सर्च में अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे या कुछ लोग वॉर की वजह से भी छोड़ देते थे अपनी प्लेस को. समटाइम्स एज दे बिगेन देयर टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस पीपल began to change a little and at other times they managed to do things in the old ways so their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new and out of this intermixing of cultures came something new and different. तो वो जो है अपनी होम को छोड़ के न्यू प्लेसेस पे जाते थे तो थोड़ा चेंजेस आ जाता था उनकी लाइफ में जिसको वो मैनेज करते थे ओल्ड वेज से मतलब पुराने तरीकों से मैनेज करते थे तो उनकी जो लैंग्वेजेस फूड म्यूजिक और रिलीजन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरमिक्स कर सकते थे ओल्ड और न्यू का और एक न्यू और डिफरेंट चीज़ जो है वो सामने होकर आती थी. The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. तो जो हिस्ट्री है काफ़ी सारे places की वो हमें ये दिखाती हैं कि कैसे हमारे जो cultural influences हैं वो different हैं और कैसे वो हमें हमारी life और culture को shape करने में help करती हैं. तो जो region हैं वो बहुत ज़्यादा diverse हो गए हैं अपनी unique histories की वजह से. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. So similarly, क्या है diversity इन चीज़ों से भी आई है कि जो people जो हैं जिस area में रहते हैं वहाँ की geographical area को adapt करते हैं इसकी वजह से भी उनकी जो life है वो diverse हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सी के पास रह रहा है उसकी लाइफ डिफरेंट होगी उससे जो कि माउंटेनियस एरिया के पास रह रहा है उससे. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's live are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. So, जो people हैं वो एक दूसरे से clothing और eating habits में ही different नहीं है बल्कि वो जो works करते हैं उनमें भी एक दूसरे से different हैं. जैसे city में ये बहुत easy है कि जो people हैं वो अपने physical surrounding में जो लोग रहते हैं उनके साथ घुलना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं क्योंकि जो city में है वो people अपने vegetables और grain को खुद grow नहीं करते हैं वो दूसरों पे या markets पे depend रहते हैं अपने necessary needs के लिए essential needs के लिए. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. So,
for understanding the situation of historical and geographical factors became diversity of a region, you have to read two different stories of Kerala and Ladakh. This is an image of a dry barren landscape of the mountainous desert of Ladakh. So this is a place of Ladakh. So yahan ye dekhiye kitne mountainous region area hai, kitne mountain hai aur kitna desert area hai. So now what is the how Ladakh mein kya kya hota hai aur kaise kaise hota hai. So Ladakh is a desert in the mountains in the east of Jammu and Kashmir. To jo Ladakh hai wo desert mein hai, east jo hai Jammu Kashmir ke east ke mountains mein. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. Yahan Ladakh mein agriculture possible nahi hai kyunki wahan rain nahi hoti hai. Wahan रेन बहुत कम होती है, ज़्यादातर वहाँ स्नो होता है. तो स्नो जो है इसे पूरा एरिया कवर्ड रहता है बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए. There are very few trees that can grow in the region for drinking water. People depend on the melting snow during the summer months. तो इतना तो हमें पता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो रेन पे डिपेंड होता है. वाटर तो नीड है एग्रीकल्चर के लिए, तो इसकी वाटर की वहाँ बहुत शॉर्टेज है. इतनी शॉर्टेज कि उन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर में भी के लिए भी समर मंथ्स में जब स्नो मेल्ट होती है उसको कलेक्ट करके वो अपना ड्रिंक करने के लिए वाटर जो है वो स्टोर करते हैं. और वहाँ स्नो रहती है ज़्यादा, इस वजह से वहाँ ट्रीज़ भी कम है और एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है नहीं. तो वहाँ का मतलब ट्रेडिंग पर्पस और ऑक्यूपेशन क्या है पीपल का. सो पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स. द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पाशमीना वूल. दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पाशमीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. पाशमीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर. तो पीपल जो हैं यहाँ के वो शीप को और गोट्स को रखते हैं. इस रीजन में स्पेशल गोट्स होती हैं जिनके पास पाशमीना वूल होती है. तो लद्दाख के पीपल पाशमीना वूल को निकालते हैं और उनको फिर जो कश्मीर से ट्रेडर्स आए हुए होते हैं उनको बेच देते हैं, क्योंकि जो पाशमीना वूल्स हैं उनसे पाशमीना शॉल बनती हैं जो मार्केट में बहुत कॉस्टली सेल होती हैं. द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर. ईच फैमिली ओन सम गोट्स काउज एंड जोस या काउज. बींग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट शेयर ऑफ ट्रेडर्स. इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारावांस ट्रेवल टू वॉट इज टूडे कॉल्ड तिब्बत. दीज कारावांस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसिस रॉ मिल्क एंड कारपेट्स. तो लद्दाख के पीपल मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि चीज़ और बटर. सारी फैमिलीज़ के पास अपनी अपनी गोट्स काउज और याक काउज होती हैं. डेजर्ट रीजन में ये एक थॉट है कि जो डेजर्ट का एरिया होता है वहाँ पे ट्रैवलिंग इजी नहीं होती है. तो डेजर्ट एरिया होने के साथ साथ ये मतलब नहीं है कि लद्दाख अपने एरिया में ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करता है, बल्कि लद्दाख को बहुत गुड ट्रेड रूट माना गया है क्योंकि वहाँ से बहुत सारे कारावान जो कि तिब्बत के लिए जाते हैं वो क्रॉस हुए हैं. और ये कारावान्स में जो तिब्बत के पीपल हैं टेक्सटाइल स्पाइसेस रॉ सिल्क और कारपेट्स को अपने रीजन में लेकर जाते थे. बुद्धिज्म रीच तिब्बत बाय लद्दाख. सो बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो तिब्बत में आया लद्दाख की हेल्प से. लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा गया है. इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic the Kesar Saga are performed and sung by both Muslims and Buddhists. So jo Buddhism hai रिलीजन तिब्बत में आया लद्दाख के थ्रू. लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है. बुद्धिज़्म के बाद न्यू रिलीजन आया इस्लाम जो 400 इयर्स अगो पहले आया. ये एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पाई जाती है. लद्दाख के पीपल सॉन्ग्स और पोइम्स को लिखने में और गाने में बहुत ज़्यादा फेमस हैं. जो लद्दाख का नेशनल एपिक है केसर सागा, ये दोनों रिलीजन मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन के पीपल गाते हैं. ये एक पिक्चर है जिसमें जो वुमेन है पाशमीना शॉल को व्यू कर मतलब वीविंग कर रही हैं. नाउ यू कैन सी दैट हाउ पाशमीना शॉल वीविन वोवन. नाउ अब हमने लद्दाख की स्टोरी पढ़ ली. अब केरला.
So, Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. It is the spices that made this region an attractive place for traders. So, Kerala jo hai, wo southwest corner mein aata hai India ke. ये एक तरफ तो इसके सी हैं, दूसरी साइड हिल्स हैं. जो यहाँ पे की सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो है स्पाइसेस, जैसे कि पेपर, काली मिर्च, क्लॉप्स, लौंग, कार्डमम, सफ़ेद इलायची, ये सब यहाँ हिल्स में ग्रो होती हैं. और स्पाइसेस ही एक ऐसा मतलब वहाँ का चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं केरला की तरफ. ये जो है ये पिक्चर है चाइनीज़ फिशिंग नेट की. नाउ Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. तो Jewish और जो Arab traders हैं वो सबसे पहले यहाँ आए थे, और जो apostle है Christ के Saint Thomas, उन ये मानना है कि जो Saint Thomas थे वो 2000 years ago पहले Christianity लेकर आए थे India में Kerala के through. Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with the ship here. तो बहुत सारे अरब ट्रेडर्स भी केरला में आए. इब्न बतूता जो यहाँ आया ट्रैवलिंग करके, उसने 700 ईयर्स एगो तक से पहले मतलब ट्रैवलिंग की थी. उसने एक ट्रैवलॉग लिखा जिसमें उसने डिस्क्राइब किया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सारी कम्युनिटी अपने अपने लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं. तो जो पोर्टुगीज़ हैं उन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट इंडिया से यूरोप का, और वास्को डी गामा जब यहाँ लैंड हुए थे अपनी शिप से वो इसी रूट से हुए थे. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो ये different traders आए अपना अपना religion लेके. इस वजह से जो Kerala है उन वहाँ उसका historical influence बहुत ज़्यादा हुआ. तो जो people हैं Kerala के वो different religion को follow करते हैं, जैसे कि Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. The fishing net used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called China Wala. जो fishing nets केरला के में यूज़ होती हैं वो Chinese fishing nets की तरह लगती हैं, इसलिए उनको China Wala कहा जाता है. Even the utensils used for frying is called the China Chachi, and it is believed that the word Chin could have been come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice, and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. तो जो utensils Kerala के people use करते हैं उनको China Chachi कहा जाता है. ये मानना है वहाँ के लोगों का कि जो word Chin है वो China से आया है. केरला की जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल है और वहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि वहाँ पे राइस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होते हैं, क्योंकि राइस के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए और वो सब केरला में पाया जाता है. केरला में बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वहाँ ग्रो किया जाता है. ना दिस इज़ अ इमेज ऑफ अ पीपल हु सेलिब्रेटेड एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला, ओनम फेस्टिवल. तो ओनम फेस्टिवल में बोट रेस होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल का जो कि केरला के पीपल सेलिब्रेट करते हैं. वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैज सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. जबकि केरला और लद्दाख दोनों डिफरेंट हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स के टर्म में, लेकिन जो दोनों रीजन्स की हिस्ट्री हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस के बेसिस पे. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. दोनों ही region को Chinese और Arab traders ने ही आगे बढ़ाया. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. तो ये geography है Kerala की जिसने allow किया spices के cultivation को, और जो special geographical location है Ladakh की तो वो wool की trading को
ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को एक साथ चलना पड़ता है किसी भी रीजन की कल्चरल लाइफ को बढ़ाने के लिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मेरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। अ प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क एंड विद ईच मूव अवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। जो जो इन्फ्लुएंस है डाइवर्स कल्चर्स का वो पास से ही नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम में भी हम वर्क की सर्च में, जॉब की सर्च में, स्टडी की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एक दूसरे के जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट बन गए हैं जिस प्लेस में हम जाते हैं वहाँ के। सिमिलरली इन आर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। आर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइफ्स कस्टम एंड ट्रेडिशंस। और इसके अलावा भी हम अपने आसपास सोसाइटी और कम्युनिटी में देखते होंगे कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे आसपास जो दूसरे रीजन या दूसरे स्टेट से आए हैं वो कुछ हमें अपनी स्टोरीज़ बताते हैं और अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस बताते हैं जो कि हमारी डाइवर्सिटी में ऐड हो जाती है। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता में एकता। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंसेस वी ऑल आर यूनाइट। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो हमेशा से उसकी स्ट्रेंथ बन के ही आई है। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड्स केम टुगेदर टू अपोज दैम। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। जब ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रूल किया था तो जो वुमेन और मैन हैं डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड्स के वो एक साथ आके उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज किया था। जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट है उसमें जो था बहुत सारे पीपल अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे बट दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। दे बैन टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। सो उन्होंने एक साथ आके वर्क किया, जॉइंट एक्शंस लिए, साथ जेल गए और उन्होंने डिफरेंट वेज फाइंड किए ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिशर्स थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इंटरेस्टिंगली क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सोचते थे कि इंडिया के पीपल आपस में इतने डिफरेंट हैं, हम इनको आपस में लड़ाएंगे और फिर उसके बाद हम इनको ऊपर रूल करेंगे। लेकिन इंडियंस ने दिखा दिया कि हम कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो लेकिन इंडिया के लिए हम सब यूनाइटेड हैं और इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल लड़ी। Now there is a poem that don't forget the days of blood of friend in the midst of your happiness remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower to plant a flower in the desert garden dear friend. Having fallen to bullets be slept in Jallianwala Bagh to light a lamp on this lonely grave of friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them oh friend. ये जो poem है ये Indian People's Theatre Association IPTA से ली गई है। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in which a British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people killing many and wounding even more. तो ये जो song है ये जलियांवाला massacre के बाद संग गाया गया था। जलियांवाला जो massacre है अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है इसमें एक कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जहां पे जो ब्रिटिश जनरल था उसने इस बाग में ओपन फायर का अनाउंसमेंट कर दिया था और जलियांवाला बाग में बहुत सारे पीपल कलेक्ट हुए थे एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए लेकिन उन्होंने जनरल डायर ने सबको ओपन फायर में किल कर दिया। मैन एंड वुमेन हिंदू सिख्स एंड मुस्लिम्स रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोस ब्रेव पीपल। तो इस सॉन्ग में बताया गया कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स का ब्लड है, हमें उनकी ग्रेव्स पर कुछ टीयर्स शेड करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, कितने सारे लोग फ्रीडम स्ट्रगल में जेल में गए, कितने सारे लोगों ने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने होम को सेक्रीफाइस कर दिया, तो हमें उनके लिए प्रे करना चाहिए। जो बैरन लैंड हो गई है उनकी वहाँ पे कुछ लैंप लाइटन अप करना चाहिए। तो ये सॉन्ग कंपोज किया गया था और उनके ही ऑनर के लिए उनकी मेमोरी में ये जो ब्रेव पीपल सेक्रीफाइस किया था जिन्होंने अपनी लाइफ उनके लिए ये सॉन्ग गाया गया था।
नाउ ये पिक्चर है, इस ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस डे पे अपनी जो स्पीच है उसको डिलीवर कर रहे हैं. सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ अवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. जो सॉन्ग और सिंबल जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में बने थे वो हमें हमेशा ये रिमाइंड कराते रहते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और जो हमारा ट्रेडिशन है इसकी वजह से हमें सारे रिलीजन और सारे कल्चरल बैकग्राउंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? ये सारे जो फ्लैग, ये जो इंडियन फ्लैग है इसको एक सिंबल के थ्रू बनाया गया था. इसको एज अ सिंबल यूज़ किया गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए. सब जगह मतलब अलग अलग स्टेट के पीपल यही नेशनल फ्लैग को यूज़ करते थे ताकि पता चले कि हम सब इंडिया के हैं. In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who phrased unity in diversity. Who coined the phrase unity in diversity to describe the country. पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जो डाइवर्सिटी या जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये जो टर्म है ये कोई आउटर फीलिंग नहीं है जो कि ऐड कर दिया किसी की लाइफ में, बल्कि ये एक बहुत डीपर और इनर फीलिंग है कि हम अपने इंडिया के कस्टम ऑफ बिलीफ से और प्रैक्टिस से इतना अटैच्ड हैं कि हम जो हैं वो इंडिया को बहुत ज़्यादा लव करते हैं तो हम हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करते हैं. तो जो नेहरू हैं वही फर्स्ट ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फ्रेज जो है वो कॉइन किया था हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए. नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इज कम्प्लीटेड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी. विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज. सो फेस्टिवल शेयर्ड बाय डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. दीज आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स सो एवरी इंडियन सेलिब्रेट्स देम इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन एंड रिलीजन. क्वेश्चन टू, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ. सो इंडिया इज़ अ कंट्री विद अ रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी. पीपल हेयर बिलोंग टू वेरियस रिलीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वियर डिफरेंट क्लॉथ्स एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अमंग अदर डाइवर्सिटीज. हाउएवर डिस्पाइट ऑल दिस वी यूनाइट टुगेदर एज इंडियंस. वी शेयर द सेम नेशनल सिम्बल्स, नेशनल वर्च्यूज एंड फीलिंग्स. बींग एन इंडियन गिव्स अस द डिवाइन आइडिया ऑफ सर्वधर्म संभव, विच मीन्स दैट वी हैव द वर्च्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स सिंस ऑल रिलीजन्स आर वन. क्वेश्चन थ्री, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? वॉट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस क्वेटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? So yes, I believe unity in diversity is an appropriate term to describe India. India is a large country and people of different parts follow different faiths, speak different languages, wear and eat differently. This shows that India has a diversity spread across its people unity. Therefore, the phrase unity in diversity is justified. Nehru has written in his book, The Discovery of India, he means that when one ponders over deeply, one finds that India is not only united, but its people also know how to accept other customs and beliefs. Question 4, underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre, which according to you reflects India's essential unity. The line, the blood of Hindus and Muslims flow together today, reflects India's essential unity. Question 5, choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other and how? Region Kerala, geographical features situated between Lakshadweep and Western Ghats, it has wet climate and seasonal heavy rains. The western coastal belt is relatively flat. This region is having lakes and canals. This state has equal population of Hindu, Muslim and Christian. The geographical feature helped in the cultivation of species. Now the explanation of this chapter is completed.